तो कैसे हो देखने और सुनने वालों? यार भाई ने तुम लोगों से एक वादा किया था, जो भाई तो अपना वादा पूरा कर रहा है पर तुम लोग अपना वादा पूरा नहीं कर रहे। पता है क्या है यार, तुम लोग अपनी जबान पे नहीं उतर रहे। जाना लावड़े, तुम लोगों से भाई ने सिर्फ एक ही तो चीज मांगी थी कि भाई के 1000 सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द पूरे कराओ। अच्छा यार ऐसे करोगे ना तो मैंने चले जाना है। अगर तुम लोग चाहते हो कि ऐसी रोस्टिंग आया करे तो अभी नीचे जाओ और सब्सक्राइब करो चैनल को, और साथ साथ घंटा भी दबा देना यार। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। छोड़ो ना बीमारी का बहाना करके, मुंह क्या दिखाओगे बताओ मर के, रमजान आया रोजा रखो जी। तो यार आज जिस मखलूक़े तागूत की हम बात करेंगे वो एक बहुत बड़े राइटर हैं। इनकी बेहतरीन राइटिंग्स में एक मेरे पास तुम हो भी है, पर इस शख्स को देखकर ऐसा महसूस होता है कि जिसके पास ये है वो भी सोचता होगा कि मेरे पास ये क्यों है। बात तो सही है, बिल्कुल सही समझे तुम लोग। यार आज हम बात करने वाले हैं खलील उर रहमान कमर के बारे में। तो यार सीन कुछ यूं है कि हमारे इस तागूती हीरो के साथ दो हाथ कांड हो गया है। एक लड़की ने हमारे हीरो को कहा कि यार हमारे पास आ जाओ यार, आ जाओ जल्दी। जब हमारा राजा वहाँ पहुँचा जहाँ इसको लड़की ने मिलने बुलाया था, तो राजा को महसूस हुआ कि आया तो था पुंगी बजाने पर यहाँ तो इसका खुद ढोल फाड़ दिया गया है। आहा। जब हमारे हीरो ने हीरोइक एंट्री मारी उस लड़की के घर, तो वहाँ पहले से लड़के मौजूद थे। जिन्होंने पहले तो हमारे हीरो को बांध के ट्रैप किया, फिर इसका मोबाइल पर्स और बाकी सामान लूटकर फरार हो गए और इसे कहा बेटे निकल लो, निकल लौड़े। इस पे पंजाब पुलिस ने जब तफ्तीश की तो पता लगा कि बैरिया का वो घर जहां इसको मिलने के लिए उस लड़की ने बुलाया था उसने वो भी रेंट पर ले रखा था। बड़ा हरामी हो बेटा। और तो और अभी और सुनिए, वो लड़की और लड़कों का मिला के 12 बंदों का गैंग था, जो बत्ताखोरी लैंड ग्रैबिंग और मर्डर शर्डर जैसी मादर चित्तर में भी इन्वॉल्व थे। ये सुन के तो भाई मेरे कानों से रूह अफजा निकल आया। मैंने सोचा चलो अच्छा है समा नहीं गया हीरो का गांड, इज्जत नहीं गई। वरना 12 लोग बहुत ज्यादा होते हैं। पंजाब पुलिस का पूरी तफ्तीश करने के बाद ये कहना है कि ये हनी ट्रैप का केस है। अब तुम लोग सोच रहे होगे उस्ताद ये हनी ट्रैप क्या होता है? बता। तो यार हनी ट्रैप एक ऐसा जाल होता है जिसमें आपके सामने एक लड़की को चारा बनाकर फेंक दिया जाता है और मछली यानी लड़के को उकसाया जाता है ताकि वो उस कांटे में फंस जाए। अब देखो यार जितना मैं जानता हूँ और जितना तुम कमीने हो, अबे साले, उससे ये पता लगता है कि ये हनी ट्रैप एक दिन में तो नहीं हो जाता। एक दिन में तो कोई लड़की नहीं कह देगी ना टाइम लगता है भाई, बातचीत होती है, निब्बी डोर डालती है, निब्बा पकड़ के लटक जाता है, फिर होता है ये सीन। और जब पूछा गया ये कंट्रोवर्सी के बादशाह से कि रात 4 बजे तू गया ही क्यों था, तो ये कहता है मैं इस वक्त बीमार हूँ और मुझे डॉक्टर ने 5 साल के लिए धूप में जाने से मना कर दिया। अबे सड़े अंडे के सफेद छिलके, तेरा नुन्नू सुकड़ जाना था क्या जो डॉक्टर ने तुझे दोपहर में बाहर जाने से मना किया हुआ है? नहीं मसला क्या है आखिर, और चल गया भी तो साले रात 4 बजे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। 7 से 11 क्या इल्यूजन लेकर हिलाने में मसरूफ था, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और जब इस पे ज्यादा जोर दिया गया कि क्यों गया था बोल दे वरना दबा के निचोड़ देंगे, तो खुद कह रहा है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तेरे जिस्म में है क्या? ये फेमिनिज्म पर इतना बकवास करने वाला, मतलब ये सच्ची ये बोल रहा है ये बात यार कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जब दिल चाहेगा इसको उठा के चला जाऊंगा। भाई तू जा, खुदा का वास्ता तू जा और इस जिस्म को भी लेता जा, ऑब्वियसली हमें नहीं चाहिए यार इतना गंदा जिस्म तेरा। तेरे जिस्म में है क्या? पर एक बात बताता जा, कौन सा प्रोफेशनल काम रात 4 बजे करने गया था तू? और अगर प्रोफेशनल ही था तो इधर आइयो बात सुन, कहाँ पे आएगा एक्स मुर्गी के दमादम या लाल बत्ती? अभी और सुनिए। और यार जब मैं सारे मामले पर रिसर्च कर रहा था तो मेरे हाथ इसकी कुछ चैट्स लगी, जिसको पढ़ के पक्का पता लगा कि तरबूज छुरी पे नहीं, छुरी खुद तरबूज काटना चाहती थी। देख लो यार तुम खुद। यू आर सो प्रिटी, यू सिंग वेल बट आई नीड टू वर्क ऑन यू। यू सिंग वेल? खलील भाई एक बात तो पक्की हो गई। और लगाओ नारे फेमिनिज्म मुर्दाबाद, मुड़ चढ़ गया ना आप पे ही मुर्दाबाद। और इसको देख के एक बात साफ पता चलती है कि इस लड़की ने हमारे हीरो खलील उल बर्बाद कमर के कमर पे सहलाते हुए कुछ ना कुछ एबीसी जरूर सुनाई है कि हमारा राइटर उसको सिंगरिंग सिखाना चाहता है। भाई मतलब भाई तू एक राइटर है, तेरी छित्रोल से पिट्ठी लाल, साले तेरे सिंगिंग में क्या काम? ओ भाई मेरा दिमाग फट जाएगा, ये क्या है भैंचो।
Hand yourself over to me now. Let me make it happen. इस मैसेज में हीरो फरमाना ये चाह रहा है कि मुझे खुद को दे दे, मैं तुझे करके दिखाऊंगा. क्या 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 हेलो, क्या करने की बात हो रही है ये? I want to write on you. लो, दीदी ने खलील भैया को दीवार समझा हुआ है. इनको लिखना है खलील भैया की पिट्ठी पे. मजाक है. खलील भैया आप एक काम करो, अपना नाम खलील से हटाकर जलील कर लो. हर पासे तो जलील ही होते रहते हो. और यार तुम लोगों को अल्लाह का वास्ता, इस दीदी को लेकर जाओ और कोर्स करवाओ इंग्लिश का, वरना कहीं पर तुम लोगों को है ना लिख मुझ पे करती मिलेगी. तू समझा ना. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. इस बकचोदी को और नहीं उठा सकता यार मैं. अब फटाफट से मेरा एक काम करो, अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो चैनल को फटाफट, 1000 सब्सक्राइबर पूरे कराओ भाई के. और अगर तुम लोग वीडियो देखते हो और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो तुम ए हन्नो है. Fuck what you want, bitch, I got what you need. Don't call me up once, cause you cry and you need me. So fuck what you want, bitch, I cry way too much. Bitch, I die way too much for that shit.